भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाने से मना कर दिया, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। पाकिस्तान ने जो इतने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए स्टेडियमों को बनवाने में, मुझे ऐसा लगता है कि अब उन स्टेडियम्स को किसी धर्मशाला को दे देना चाहिए या फिर वहां पर दावतों को ऑर्गेनाइज करने के लिए दे देना चाहिए कि वहां पर शादी एवं पार्टियां हो सके। दरअसल भारत बीसीसीआई अब इस बात को लेकर फैसला ले चुका है कि वो हाइब्रिड मॉडल के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और वो पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। लेकिन इन सबसे पहले शाहिनशाह अफरीदी को लेकर कुछ ऐसी बातें पाकिस्तानी मीडिया में चलने लगी जिनको कि देखकर सुनकर जानकर किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेट फैन का दिमाग खराब हो जाएगा। दरअसल पिछले दिनों ही टी20 वर्ल्ड कप के ठीक पहले गैरी कर्स्टन को, जिन्होंने कि 2011 में भारत को वर्ल्ड कप जिताया था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना कोच बनाया है। गैरी कर्स्टन एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के इंसान माने जाते हैं और उन्होंने शाहिनशाह अफरीदी के ऊपर अब गुटबाजी करने का आरोप लगाया है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पेसर शाहिनशाह अफरीदी पर हेड कोच गैरी कर्स्टन और टीम स्टाफ से बदसलूकी के आरोप लगे। पाकिस्तानी मीडिया के सोर्सेज के हवाले से यह दावा किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड कप और आयरलैंड टूर के दौरान शाहीन ने गैरी, असिस्टेंट कोच अजहर महमूद और टीम स्टाफ से बदसलूकी करी। कोच और टीम स्टाफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शिकायत भी करी और इस बात की जांच करी जाएगी कि घटना के दौरान टीम मैनेजमेंट ने शाहीन पर एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया। पाकिस्तान की समा न्यूज ने कहा है कि शाहीन के इस बिहेवियर के बावजूद सिलेक्शन कमेटी के मेंबर और सीनियर मैनेजर वहाब रियाज और मंसूर राणा ने उनका साथ दिया। टीम स्टाफ ने आरोप लगाया कि कुछ खिलाड़ी लॉबिंग कर रहे हैं। वहाब रियाज और मंसूर राणा को पीसीबी ने ऑलरेडी हटा दिया है अब्दुल रजाक के साथ में। इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी में शामिल और भी कुछ लोगों के ऊपर आगाज गिर ही सकती है। कोच गैरी कर्स्टन ने वर्ल्ड कप के बाद कहा था कि टीम में बिल्कुल भी एकता नहीं है और टीम गुटों में बटी हुई है। गैरी की कोचिंग में ही भारत ने 2011 में वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। इस साल आईपीएल के बाद गैरी कर्स्टन को पाकिस्तान टीम का कोच बनाया गया था। शाहीन को टी20 वर्ल्ड कप से पहले टी20 की कप्तानी से हटा दिया गया था, वो भी रातों रात, जिसकी वजह से पीसीबी से वो नाराज भी चल रहे हैं। 2022 में हुए टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी और इसके बाद बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी थी। शाहीन को कप्तान बनाया गया था। शाहीन की कप्तानी में भी टीम का प्रदर्शन खराब ही रहा और इसी कारण से वर्ल्ड कप 2024 से ठीक पहले शाहीन की जगह पर एक बार फिर से बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया था। वहीं वहाब रियाज को जब सिलेक्शन कमेटी से हटाया गया तो उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और इसके बाद शाहीन का मामला पाकिस्तानी मीडिया में उछलने लगा। वहाब रियाज ने लिखा कि मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन मैं इस ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वहाब ने कहा कि जिस खेल से प्यार किया उसकी सेवा पूरी ईमानदारी और भरोसे के साथ करी और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए 100% दिया। उन्होंने कोच गैरी को भी धन्यवाद दिया और उम्मीद जाहिर करी कि उनकी कोचिंग में टीम और भी ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। उसे पहला वर्ल्ड कप खेल रही अमेरिका ने भी हरा दिया था और उसके बाद इंडिया ने उसे 6 रन से हरा दिया। पाकिस्तान टीम के ग्रुप स्टेज से बाहर होने के बाद पूरी टीम में बदलाव की मांग करी गई। कई सीनियर क्रिकेटर्स ने टीम में लॉबिंग और डिसिप्लिन के मामले को भी जोर शोर से उठाया था। फरवरी 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये बात भी सामने बता दी गई। बीसीसीआई भारत के मैच पाकिस्तान की जगह दुबई या श्रीलंका में कराने के लिए आईसीसी से कहेगा। न्यूज एजेंसी ANI ने बीसीसीआई के सोर्सेज के हवाले से ये इंफॉर्मेशन दी है। अभी बीसीसीआई ने इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। वहीं टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर और कोलकाता नाइट राइडर्स के असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के सपोर्टिंग स्टाफ में शामिल हो सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंगलवार को गौतम गंभीर को टीम इंडिया का हेड कोच बनाया और उसी के बाद में पाकिस्तान को लेकर इतनी बड़ी खबर भी सामने आ गई। क्या कहना चाहेंगे आप लोग पाकिस्तान की इस गुटबाजी को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।